All, in this video I'll complete the chapter Journey to the End of the Earth. In the previous video I explained half of the chapter. I explained up to the point here. This is human impact. Fine, means the rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources. यानी rapid increase of population ने हमें जो है लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए दूसरी स्पेसीज से लड़ने के लिए छोड़ दिया है. एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड. यानी अनकंडीशनल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड विच इज स्लोली, जो धीरे ही सही बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर. यानी श्योरली जो है ग्लोबल टेम्परेचर को क्या कर रही है, बढ़ा रही है. क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम. यानी हमारे टाइम की जो एनवायरमेंटल डिबेट है वो है क्लाइमेट चेंज. ठीक है, विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली. क्या अंटार्कटिका की जो आइस शीट है कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी. विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करेंट बी डिसरप्टेड. क्या गल्फ स्ट्रीम की जो ओशन करेंट है वो डिसरप्ट हो जाएगी. विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट. क्या दुनिया का अंत वैसे ही होगा जैसे कि हम जानते हैं. मे बी हो सकता है, मे बी नॉट नहीं भी हो सकता है, आइदर वे किसी भी तरीके से हो सकता है दोनों में से. अंटार्कटिका इज अ क्रूशल एलिमेंट इन दिस डिबेट. इस डिबेट के अंदर अंटार्कटिका एक क्रूशल एलिमेंट है. नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड. ऐसी बात नहीं है कि वर्ल्ड में ये एकमात्र ऐसा प्लेस है विच हैज़ नेवर सस्टेंड ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयर फॉर रिमेंस रिलेटिवली प्रिस्टाइन. जिसने कभी भी जो ह्यूमन पॉपुलेशन को सस्टेन ही नहीं किया और इसी की वजह से रिमेंस रिलेटिवली प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन यानी अनस्पॉइल्ड रहा हो. इन दिस रिस्पेक्ट बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स. यानी जो सबसे ज़्यादा महत्व की बात है इस डिबेट में वो ये है कि अंटार्कटिका के अंदर हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रिप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस. यानी इसकी आइस की लेयर्स में हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन के रिकॉर्ड दबे हुए हैं. ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रजेंट एंड फ्यूचर. अगर हम धरती के प्रजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, फ्यूचर का इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो. तो अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा प्लेस है जहाँ से हमें पता चल सकता है. ठीक है, स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये वही है प्रोग्राम जिसके तहत नैरेटर तिसानी दोषी वेंट टू अंटार्कटिका. फाइन, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द सोकाल्स्की एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. Yani I was working with on the Sokalski par Sokalski jo research vessel hai jo us pe kaam kar rahi thi narrator aims to do exactly this by taking high school students. yani iska ek matra uddeshy ye tha ki high school ke students ko jo hai वर्ल्ड के उस एंड पर ले जाना यानी अंटार्कटिका ले जाना एंड प्रोवाइडिंग दम विद द इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और वहाँ जाकर के उन्हें बढ़िया एजुकेशनल की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ विच विल हेल्प दैम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर अ प्लानट. जिससे वो जो क्या करेंगे, फॉस्टर देयर अंडरस्टैंडिंग, एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे एंड दे विल बी एबल टू रिस्पेक्ट आर प्लानट. और हमारे प्लानट का वो क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा. आपको पता है कि यंग माइंड्स फ्यूचर पॉलिसी मेकर हैं, नैरेटर पहले ही बता चुकी है. तो इस सेंस में जो स्टूडेंट्स ऑन आइस है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर्स नाउ. यानी ये 6 सालों से चल रहा है, हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ क्रीन. इसका प्रेसिडेंट कौन है, कैनेडियन जॉफ क्रीन है, मीन्स कैनेडा का रहने वाला है, नेम है जॉफ क्रीन. Who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. Who got tired, यानी कैनेडियन जॉफ क्रीन got tired of carting celebrities
ऑफ टेकिंग सेलिब्रिटीज, ठीक है, यानी पहले वो क्या करता था जॉफ ग्रीन के सेलिब्रिटीज को, रिच पीपल को, क्यूरियोसिटी सीकर्स को और रिटायर्ड पीपल को लेकर के जाता था अंटार्कटिका जैसे प्लेस पर, ठीक है। हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, यानी जिन्होंने बदले में कुछ भी खास नहीं दिया गया। अगर मैं ये कहूँ कि वो लोग है जब पिकनिक जाते थे तो भी इसमें कहना कहीं भी गलत नहीं है। इसीलिए जॉफ ग्रीन ने अपना मन बना लिया, मन चेंज कर लिया कि अब मैं इन लोगों को लेकर के नहीं जाऊँगा, क्योंकि जॉफ ग्रीन का एम कोई पैसा कमाना ही नहीं था बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग, एक एजुकेशनल और एक आइडिया फॉस्टर करना था जिससे कि प्लेनेट का लोग रिस्पेक्ट कर सकें और प्लेनेट को बचाने के फील्ड में कुछ काम कर सकें, ठीक है। लेकिन ये लोग कोई काम ऐसा खास कर ही नहीं रहे थे, इसीलिए उसने अपना मूड चेंज कर लिया। विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, यानी वो फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर को ऑफर करता है अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज, एक ऐसी एज पर व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, जब वो रेडी होते हैं चीज़ों को असिमिलेट करने के लिए, लर्न करने के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वो काम करने के लिए रेडी रहते हैं। इसीलिए उसने इन पॉलिसी मेकर्स को ऑफर किया। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, यानी इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के पीछे यही रीजन है क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, यानी साउथ पोल पर जाना और उसके द्वारा अफेक्टेड नहीं होना ये इम्पॉसिबल सी बात है। इट इज ईजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कम्फर्ट जोन ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, बट वैन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस सेल्स कोलैप्सिंग यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, यानी इट्स ईजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप्स, यानी ये बहुत ईजी है टू बी अनइम्प्रेस्ड, टू बी इनडिफरेंट अबाउट समथिंग, यानी किसी भी चीज़ के बारे में अनइम्प्रेस होना बड़ी ईजी सी बात है। अबाउट पोलर आइस कैप्स, ठीक है, मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कम्फर्ट जोन ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, ये लोकेशन की बात कर रहा है। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, लेकिन जब आप रियली में देखते हो ग्लेशियर्स को रिट्रीट होते हुए और आइस सेल्स को कोलैप्स होते हुए, कोलैप्स का मतलब ढहना, टूट जाना, टूटते हुए देखते हो, यू बिगिन टू रियलाइज, यानी जब आपकी आँखों के सामने ग्लेशियर्स जो है धंस रहे हों और बर्फ की चट्टानें जो टूट रही हों आपके सामने, यानी ग्लेशियर्स फाइनली क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हों, यू बिगिन टू रियलाइज, तब आपको रियलाइज होता है दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, कि ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है ना वो वाकई में रियल है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, यानी अपने सिंपल इकोसिस्टम की वजह से और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने का। हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस, ये समझने का, ये स्टडी करने का कि थोड़े थोड़े से परिवर्तन जो है एनवायरनमेंट पर कितने बड़े परिणाम ला सकते हैं, यानी थोड़े थोड़े से चेंजेस जो हम एनवायरनमेंट में करते हैं उनके कितने बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस चीज़ की स्टडी करने के लिए अंटार्कटिका एक परफेक्ट प्लेस है। क्योंकि आपके सामने क्या हो रहा है, आपके सामने ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं और आइस केप्स क्या हो रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, तो आपको साफ दिख रहा है कि हाँ हम ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंकटन इज अ सिंगल सेल प्लांट, ठीक है, सिंगल सेल प्लांट होता है, या फिर लिटरेचर की लैंग्वेज में देखें तो आप ऐसे देख लो, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट न्यूरिस एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशंस फूड चेन, यानी फाइटोप्लैंकटन वो ग्रास होती हैं जो न्यूरिस करती हैं और सस्टेन करती हैं एंटायर सदर्न ओशन फूड चेन को, यानी कि पूरी की पूरी सदर्न की जो फूड चेन है ना उसको क्या करती हैं, सस्टेन करती हैं, ठीक है, कौन, फाइटोप्लैंकटन। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू असिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ये सिंगल सेल्ड प्लांट्स जो है सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं
यानी यूज सन एनर्जी को यूज करते हैं टू असिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बन को असिमिलेट करने सन एनर्जी को यूज करके कार्बन को असिमिलेट कर देते हैं एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ये सन एनर्जी को यूज करते हैं और असिमिलेट कर लेते हैं कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। कुल मिलाकर के बात फोटोसिंथेसिस की हो रही है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, सन एनर्जी को लेते हैं और कार्बन और ऑर्गेनिक को सिंथेसाइज कर लेते हैं, यानी ये उनकी फूड बनाने की प्रोसेस होती है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, पहले चेतावनी दे चुके हैं और अभी भी चेतावनी देते हैं, दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर के अगर आगे कोई भी डिप्लेशन होता है, कोई भी डिके होता है, कोई भी डिटेरियोरेशन होता है किसको, ओजोन लेयर को, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंकटन। तो सबसे पहले किसकी एक्टिविटीज अफेक्ट होंगी, फाइटोप्लैंकटन की एक्टिविटी अफेक्ट होंगी। देखिए बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, बात समझने की है। यानी फाइटोप्लैंकटन वो ग्रास हैं जो संपूर्ण सदर्न ओशन की फूड चेन को क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं, ठीक है, और वहाँ के जीव जंतुओं को क्या कर रही हैं, सस्टेन कर रही हैं। और अगर ओजोन लेयर में थोड़ा भी डिप्लेशन होता है, ठीक है, कहीं भी छिद्र होता है या कहीं भी कोई और डीके होता है, तो सबसे पहले किसकी एक्टिविटीज अफेक्ट होंगी, फाइटोप्लैंकटन की। और जैसे ही फाइटोप्लैंकटन की एक्टिविटीज अफेक्ट हुई, इसका असर किस पर दिखेगा, इसका असर दिखेगा वहाँ की मरीन लाइफ पे। किस पर दिखेगा, मरीन लाइफ पे। जब वहाँ की मरीन लाइफ अफेक्ट होगी तो दूसरी फूड चेन और दूसरी स्पेसीज भी डिस्टर्ब होंगी। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से पूरी तरह से क्या हो रखी है, जुड़ी हुई है, ठीक है। विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। यानी अगर फाइटोप्लैंकटन्स अफेक्ट होते हैं तो इसके बदले में उस रीजन की पूरी मरीन एनिमल्स और बर्ड्स भी अफेक्ट होंगे एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और वहाँ की ग्लोबल कार्बन साइकिल भी प्रभावित होगी इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंकटन। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंकटन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। यानी फाइटोप्लैंकटन के इस दृष्टांत में देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व का एक बड़ा मेटाफर है, बड़ा रूपक है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस। यानी छोटी छोटी चीज़ों की परवाह कीजिए, बड़ी चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगी, सुधर जाएंगी। सीधी सी बात है, कितना परफेक्ट सा एग्जाम्पल दिया है। वॉक ऑन द ओशन, माई अंटार्क्टिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। यानी मेरा जो अंटार्क्टिका का एक्सपीरियंस था वॉज फुल ऑफ सच डिवाइन मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, एपिफेनीज मीन्स डिवाइन मैनिफेस्टेशंस। बट द बेस्ट अगर जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्क्टिका सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। लेकिन सबसे जो अच्छा था वो घटित हुआ था कब, जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्क्टिका सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। द सोकाल्स्की हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ इन टू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टेरपोल आइलैंड। यानी सोकाल्स्की ने मैनेज कर लिया था अपने आप को यानी कि पेनिनसुला और टेरपोल आइलैंड के बीच में चलने में सोकाल्स्की ने मैनेज कर लिया था। फिर से समझिए, द सोकाल्स्की हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ इन टू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टेरपोल आइलैंड। यानी सोकाल्स्की ने अपने आप को मोटी जो बर्फ की चादर थी, बर्फ का जो फैलाव था पेनिनसुला और टेरपोल आइलैंड के बीच में, उसमें चलने में समर्थ हो गया था। विच वॉच प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जो हमें कहीं भी आगे जाने से क्या कर रहा था, रोक रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने डिसीजन लिया था, वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, कि हम जो है मुड़ रहे थे एंड हेड बैक नॉर्थ, और नॉर्थ की ओर बढ़ रहे थे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन ऐसा हम करने से पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक्स, हमें सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि हम लोग क्या कर जाएं, उतर जाएं गैंग प्लैंक्स पर, यानी तख्तों पर उतर जाएं, एंड वॉक ऑन द ओशन, तख्तों से होकर उतर करके हम जो ओशन पर एक वॉक करें। अब आप सोच रहे हैं कि ओशन पर वॉक कैसे हो सकती है, हाँ हो सकती है, व्हेन देयर इज आइस, जब चारों तरफ पूरे ओशन में क्या जमी हुई हो, बर्फ जमी हुई, क्योंकि पहले ही कह रहा है, ये लाइन देखिए आप,
मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ लाइन को, देखिए ये लाइन नहीं है, सॉरी, थिक एंड वाइट स्ट्रेच, ये देखिए दिख रही है, थिक एंड वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैरबोल आइलैंड, फाइन। तो इसकी बात कर रहा था और इस पर चलने के लिए कैप्टन ने उन सबको इंस्ट्रक्शंस दे दिए। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, याद रखना कितने लोग थे वो, 52 थे, ठीक है। किटेड आउट इन गोरटैक्स, यानी हमने अपने कदम रखे कहाँ पर, गोरटैक्स में, एंड ग्लेयर्स, वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो क्या हो रही थी, सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए फैलती हुई प्रतीत हो रही थी। अंडरनीथ आर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैरों के नीचे क्या था, हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी आइस की चादर थी, क्या थी, आइस की चादर थी, ठीक है। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रेदिंग सॉल्ट वाटर, यानी उसके 180 मीटर नीचे जीता जागता सॉल्टी वाटर था, ठीक है, यानी समुद्र का पानी। तो समझिए बात पहले, यानी उनके पैरों के नीचे क्या थी, उनके जस्ट पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ की चादर थी, ठीक है, उसके 180 मीटर नीचे क्या था, लिविंग ब्रेदिंग सॉल्ट वाटर था, ठीक है। इन द पेरीफेरी यानी बाउंड्री, क्रेबिएटर सील्स काइंड ऑफ फिश, ठीक है, सील है, मछली है बड़ी वाली, वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज, यानी वर स्ट्रेचिंग यानी फैली पड़ी हुई थी, अंगड़ाइयाँ ले रही थी, एंड सनिंग देमसेल्व्स, और क्या कर रही थी, देवर एक्चुअली सन बास्किंग, यानी धूप सेक रही थी, ऑन आइस फ्लोज, यानी आइस के टुकड़ों पर, मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बैनियन ट्री, यानी बिल्कुल ऐसे ही मस्ती कर रही थी जैसे कि जो आवारा कुत्ते होते हैं जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके रेस्ट करते हैं, ऐसे ही जो है क्रेबिएटर सील्स जो है बर्फ के ऊपर लेट करके और क्या कर रही थी, सनबास्किंग कर रही थी, ठीक है। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन, ये किसी रिविलेशन से कम नहीं है, ठीक है, भविष्यवाणी से कम नहीं है। एवरीथिंग डच इन डीड कनेक्ट, यानी हर चीज़ जो है रियली में एक दूसरी चीज़ से क्या हो रखी है, कनेक्ट हो रखी है। 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play of our planet, हमारे planet का जो play है उसकी ब्यूटी के बैलेंस को देख करके मैं अभी भी क्या हूँ, मैं सरप्राइज हो रही थी, है नरेटर इस बात को कह रही है। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी, क्या होगा अगर अंटार्क्टिका फिर से उतना ही गर्म प्लेस हो जाए जितना कि ये हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम रहेंगे सब देखने के लिए, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, या फिर हमारा भी वही हस्त्र होगा जो डायनासोर्स का हुआ था, मैमूथ्स का हुआ था, एंड वूली राइनोज का हुआ था। हु इज टू से, कौन कह सकता है, कौन बता सकता है ये सब, और कौन रहेगा ये सब देखने के लिए। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन टीनेजर्स के इस ग्रुप के साथ में 2 weeks स्पेंड करने के बाद में, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, यानी इनके अंदर अभी भी आदर्शवाद है दुनिया को बचाने का। All I can say is that a lot can happen in a million years. मैं बस यही कहूँगी कि a lot can happen in a million years, and million years में बहुत कुछ हो सकता है, but what a difference a day makes. लेकिन एक दिन में किसी भी चीज़ को change भी किया जा सकता है, यानी but what a difference a day makes, यानी एक दिन में चीज़ों को परिवर्तित भी कर सकते हैं, यानी simply हम ये भी कह सकते हैं कि एक दिन में कितना डिफरेंस आ सकता है, कितना परिवर्तन आ सकता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये रीडिंग विद इनसाइट, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको करने हैं, ठीक है, थैंक यू।